दोस्तों यकीनन नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन होता है। अगर आपका लक्ष्य वजन कम करना है या केवल स्वस्थ रहना है तो ये जरूरी है कि आप नाश्ते को नियमित आदत बनाएं। लाभ कई हैं, डायबिटीज की कम दरों से लेकर वजन घटाने तक। डाइटिशियंस के मुताबिक स्वस्थ नाश्ता दिन की एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। न केवल हम सोचने में बल्कि काम में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कई अन्य तरीकों से भी हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है। एक स्वस्थ नाश्ते से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से नाश्ते का सेवन करें। अध्ययनों से पता चला है कि सुबह नाश्ते में पहली चीज का सेवन करने से बार बार भूख लगने की तकलीफ कम हो जाती है। बहुत सारे लोग अतिरिक्त कैलोरी खाने से बचने के लिए नाश्ते को छोड़ देते हैं, लेकिन सुबह सुबह उच्च फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर ब्रेकफास्ट करने से आपको दिन भर भूख कम लगती है। सुबह नाश्ता करने से भूख कम हो जाती है, जिससे आप भोजन कम करते हैं। 2011 में जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग नाश्ता करते हैं वो दिन भर कम भोजन करते हैं, जबकि जो लोग नाश्ता नहीं करते हैं उन्हें बार बार खाने का मन करता है, जो कि सेहत के लिए सही नहीं है। स्वस्थ मस्तिष्क के कामकाज के लिए कार्बोहाइड्रेट आवश्यक है। अपने दिन की अच्छी शुरुआत करने के लिए हाई क्वालिटी ब्रेकफास्ट जरूर करें। यह आपकी याददाश्त और एकाग्रता में सुधार करता है, साथ ही आपके मूड को अच्छा करता है और तनाव के स्तर को कम करता है। बच्चों में किए गए एक रिसर्च से पता चला है कि जो बच्चे नाश्ता करते हैं वे ज्ञान संबंधी कौशल में सुधार करते हैं और स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। नियमित रूप से स्वस्थ नाश्ता करने से डायबिटीज को रोकने में मदद मिलती है। 10 साल तक की गई एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि जो लोग नियमित रूप से नाश्ता करते हैं उनमें डायबिटीज का खतरा लगभग 30% तक कम हो जाता है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन ये है कि नाश्ते को बिल्कुल छोड़ना इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण बन सकता है, जो टाइप 2 डायबिटीज का एक मुख्य कारण है। यूरोप में 2010 में की गई एक रिसर्च के अनुसार जो लोग नाश्ता करते हैं उनमें मोटापे का खतरा कम होता है और बॉडी मास इंडेक्स भी सही रहता है।